हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू स्टडी विद लर्निंग एंड दिस इज प्रियांशु तो जैसे कि आपको पता ही है हम सैन्य इतिहास एवं प्रसिद्ध नेताओं के बारे में पढ़ रहे थे इससे पहले की क्लास में हमने कश्मीर अभियान के बारे में पढ़ा था और क्या पढ़ा था और एक उन्नीस का युद्ध पढ़ा था आज की जो हमारी क्लास हो जाएगी उसमें पढ़ेंगे हम उन्नीस का युद्ध और उन्नीस का युद्ध वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर अगर आपको वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को, कर आप तो को सब्सक्राइब कर दे और इसके बारे में भी पाकिस्तान ने कच्छ क्षेत्र लेह कारगिल सड़क तथा कश्मीर आदि अन्य स्थानों पर मुजाहिदों तथा राजकुमारों के द्वारा घुसपैठ कराई लेकिन इसमें सफलता न मिलने पर 1 सितंबर कब 1 सितंबर 1965 को पाक सशस्त्र सेनाओं ने तोपखाने व टैंकों की मदद से किसकी मदद से तोपखाने व टैंकों की मदद से छंप क्षेत्र में अचानक हमला करके वे अखनूर की तरफ बढ़ने लगे कहाँ हमला किया तो उन्होंने उन्होंने छंप में छंप क्षेत्र में हमला किया था और कहाँ बढ़ने लगे थे अखनूर की तरफ बढ़ने लगे थे इस क्षेत्र में प्रतिरक्षा की कार्रवाई करके क्या प्रतिरक्षा की कार्रवाई करके छह सितंबर को कब छह सितंबर को भारतीय सेना ने लाहौर क्षेत्र में तीन स्थानों पर सीमा पार की किन, कितने स्थानों पर सीमा पार की तीन स्थानों पर सीमा पार की तथा दो दिन पश्चात कितने दिन पश्चात दो दिन पश्चात सियालकोट क्या सियालकोट तथा सिंध क्षेत्र में आगे बढ़ना आरंभ किया वायुसेना ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो हमारी वायुसेना है उसने इस युद्ध में अपनी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेईस सितंबर को युद्ध विराम हुआ कब युद्ध विराम हुआ था ये ये सितंबर को युद्ध विराम हुआ था स्टार्ट कब हुआ था सितंबर को स्टार्ट हुआ था और तेईस सितंबर को युद्ध विराम हो गया था आगे देखते हैं तस्कंद में प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने समझौता हुआ मतलब जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जो शायद पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान उनके बीच समझौता हुआ जिसके तहत दोनों देशों की फौज अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ गई ठीक है ये था 1965 का युद्ध या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं 1965 का पाकिस्तानी आक्रमण अब बात करते हैं उन्नीस के भारत पाक युद्ध के बारे में तो देख लेंगे इसके बारे में भी तीन दिसंबर की शाम कब तीन दिसंबर की शाम पाकिस्तान ने अमृतसर पठानकोट श्रीनगर आगरा आदि के हवाई अड्डों पर अचानक हवाई आक्रमण करके तथा पश्चिम क्षेत्रों में टैंकों से हमला कर दिया था भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी थी एवं राजस्थान व सिंध सेक्टरों में कांपे राजस्थान एवं सिंध सेक्टरों में घुसकर पाकिस्तान के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया था बांग्लादेश में भारतीय सेना ने 20 स्थानों पर सीमा पार की यहां से भारतीय यहां भारतीय सेना ने जमकर लड़ाई ना करके दाएं बाएं से निकलते हुए आगे की ओर बढ़ी जो की सेना थी वहाँ पे बांग्लादेश में लड़ाई ना करते हुए जहाँ पे सीमा थी वहाँ पे लड़ाई ना करते हुए आगे की ओर बढ़ी तथा ढाका को चारों तरफ से घेर लिया जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका उसको चारों तरफ से घेर लिया था भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान की वायुसेना को पूर्णतः नष्ट कर दिया था वहीं दूसरी ओर नौसेना ने पाकिस्तान के बंदरगाहों को काफी नुकसान पहुँचाया सोलह दिसंबर को कब 16 दिसंबर को पिचासी हज़ार पाकिस्तानी सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था जो पाकिस्तान के पिचासी हजार सैनिक थे उन्होंने भारत के वीर जवान लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था इसके बाद इन्हें बंदी बनाकर भारत लाया गया तथा बांग्लादेश को स्वतंत्र कर दिया गया मतलब जो बांग्लादेश था उसे एक अपना अलग देश घोषित कर दिया गया उसे स्वतंत्र घोषित कर दिया गया इसके उपरांत प्रधानमंत्री भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे भुट्टो पता नहीं कैसा नाम है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत प्रधानमंत्री के साथ जो भारत के उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी उनके साथ शिमला समझौता किया क्या, क्या? किया शिमला समझौता किया तथा इस युद्ध के जितने बंदी बनाए गए थे उनकी वापसी कराई गई ठीक है तो ये हमने पढ़ा था उन्नीस के भारत पाक युद्ध के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें